ஆனாஞ்சன சலாகய சக்ஷுருன் மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. நமஹ யோம் விஷ்ணு பாதாய ஸ்ரீ கௌர பிரிய மூர்த்தயே ஸ்ரீமதே பக்தி வல்லப தீர்த்த கோஸ்வாமினே நமஹ. யதீந்திரிய நமஸ்துப்யம் गौर कृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः. पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ. यहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बतला रहे हैं, योगी न्यासी कर्मी ज्ञानी अन्य देवक पूजक ध्यानी इहलोक दूरे परिहारी धर्म कर्म दुख शोक जेवा था के अन्य जोग छाड़ी भजो गिरिवर धारी. क्या बोल रहे हैं यहां पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज? यहां पे भी एक तरह से ग्रहण करना और वर्जन करने को ही लेकर के हमें बतला रहे हैं. जो मंगलकामी व्यक्ति है उसको असत का संग जैसे जो है उसको तो त्याग करना ही है, और साथ ही क्या बोलते हैं योगी का संग त्याग करना है, सन्यासी का संग त्याग करना, मतलब कर्म सन्यासी, और कर्मी का संग, ज्ञानी का संग, अन्य देवादि वृंद का पूजा करने वाला जो व्यक्ति है उसका भी संग त्याग करना होगा. वो बोलते हैं प्रेम प्राप्ति जिसका उद्देश्य है और उसके अंदर भजन के प्रति एकनिष्ठ भाव होना जरूरी है. भजन निष्ठा जो है एक निष्ठा है, वहाँ खिचड़ी नहीं चलता, खिचड़ी नहीं चलता वहाँ पर. इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है उसको उन्हीं व्यक्तियों का संगति में रहना है जिनके अंदर भी अपने भजन में एक निष्ठा है. इसीलिए यहाँ पर बता योगी में नहीं सिद्धि प्राप्त करने का कामना रहता, और उसके बाद ज्ञानियों में मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा होता, कर्मियों में स्वर्ग आदि प्राप्त करने का, भोग आदि प्राप्त करने का इच्छा इस तरीका से रहता है. तो इसीलिए इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं उन लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए, और उन लोगों का संग ही वास्तविकता में असत संग है. वो हमें भगवान से विमुख कर योग साधन जो है यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आदि जो भी है ये सारी चीजें व्यक्ति को भगवान से दूर करने वाला होता है ना. इसीलिए बोलते हैं योगियों का संग नहीं करनी है. कर्मी ऐसे ही होता है, व्यक्ति को जो है ये यज्ञ कर लो, ये त्याग कर लो, ये पूजा कर लो या वो कर लो, इस तरह की चीजों में प्रेरणा दे. कहीं पे भी भक्ति की बात नहीं है. भक्ति मतलब क्या है? भजदातु की सेवा, आराध्य वस्तु जो भगवान है उनका हर प्रकार से सेवा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्रेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियाधिपति गोविंद की सेवा ही भक्ति है.
और वो भी हर प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर, मतलब है कि आत्मतत्व में प्रतिष्ठित होकर, मल रहित होकर, धर्मार्थ काम मोक्ष आदि की वांछा से रहित होकर, क्योंकि वही तो मल है, ऐसा आगे बोल रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, इन सब चीजों से मुक्त होना है मुझे, या मोक्ष पाना है या और कुछ पाना है, इस तरह के कोई भी अभिलाषा को नहीं रखते हुए, ना योगाभिलाषा, ना कर्माभिलाषा, ना ध्यानाभिलाषा, ना ज्ञानाभिलाषा, ना तप त्याग इत्यादि किसी भी चीज की अभिलाषा को ना रखते हुए, बोलते हैं एक ही अभिलाषा को रखना है, अन्याभिलाषिता शून्यम, ये सब इतर अभिलाषाओं के अंतर्गत आ जाता है। बोलते इसलिए दूसरी अभिलाषाओं को वर्जन करते हुए एक ही अभिलाषा रखनी है, वो क्या है, बोलते अनुकूल यानी कृष्णानुशीलनम, श्री राधिका के अनुगत जनों के आश्रय में रहकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अनुशीलन करना, उनकी सेवा करना, और बोलते वही उत्तम भक्ति की संज्ञा है। तो इन सब व्यक्तियों के बीच में ना भक्ति है ना उत्तमा भक्ति है, इसलिए बोलते उन लोगों का संग जो है त्याज्य है, ऐसा जिनके अंदर ये सब तो विचार छोड़ दो, और बोलते हैं जिनके अंदर भगवान के प्रति अनन्य समर्पण नहीं है, अनन्य समर्पण नहीं है, वो बोलते उनका भी संग त्याज्य है, ऐसा। तो इसलिए यहां पर ऐसा बता रहे हैं, जो कृष्ण के अनुकूल नहीं है उन चीजों में उन लोगों का आविष्टता है, योगी कौन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे अष्टांग को लेकर के जो साधना करता है वही योगी है, अष्टांग योगी जो है, ऐसा। और इसीलिए बोलते हैं ऐसे ही जो न्यासी है, न्यासी मतलब कौन है, मायावादी सन्यासी जितने भी हैं जो कि ब्रह्म में विलीन होने का इच्छा रखते हैं, वो लोग ऐसे मानते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष है, ऐसा इस तरह के जो विचार रखने वाले जो लोग हैं उनकी बात बोल रहे हैं। और उनको क्या मानते हैं वो लोग, उनका एक और समस्या है, वो बोलते भगवान का जो रूप है वो माइक रूप है, वो वास्तविकता में कोई वो उनका रूप विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माइक जगत में माइक रूप धारण करके जो है लीला को करते, ऐसे विचार रखते जो भगवान के व्यक्तित्व को माइक जगत के अधीन बोल करके चिंतन करते हैं, वो बिल्कुल उसका भी संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं, कर्मी वो लोग हैं जो स्वर्ग आदि सुख पाने की आशा में क्या करते हैं, वैदिक यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान सब करते हैं, खूब पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते, आप जाएंगे भगवान के मंदिर में जाएंगे, सेवाएं करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उन सब का पीछे एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, वो बोलते स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए मुझे, स्वर्ग आदि की प्राप्त हो जाए, इसी के चक्कर में वो लोग जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनमें खूब प्रवृत्त होते हैं, सुबह उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं,
देखने वाला व्यक्ति को जो है इतना आसानी से समझ में भी नहीं आता। इसलिए बोला काम प्रेम जो है देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके फल से पता चलता है। काम जो है अंधकार है और प्रेम जो है निर्मल भास्कर है, एकदम प्रकाशमान सूर्य की तरह, बस इसी से पता चल जाता। लेकिन देखने में एक ही तरह से अनुभव होता है ऐसा। तो इसी प्रकार से ये लोग भी जो है नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म मतलब है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो भी उनके अपने संस्कार के अनुसार कर्म है उनको नित्य कर्म बोलते हैं। जीवन के प्रथम श्वास से लेकर के अंतिम श्वास तक अपने जो प्रारब्धों में जो भी वो लोगों के आता है उसके अनुरूप कर्म, उसके अनुरूप बंधन आदि के लिए जो कुछ भी उनको करना हो सब नित्य कर्म होते। नैमित्तिक कर्म वो है उसके बीच में जो ऐड होते हैं वो सब नैमित्तिक कर्म। इसीलिए साधक को नित्य नैमित्तिक कर्म दोनों को ही छोड़ना होता है, इनके इन धर्मों को छोड़ना होता है। क्या करना है? वही धर्म को लेना होता है। कौन सा धर्म? सवई पुंसा परो धर्मा यथा भक्तिर अधोक्षज। यथा भक्ति अधोक्षज जो है भगवान के चरणों में जैसी रति के है वही धर्म वास्तविकता में जीव का धर्म है, और वही धर्म को हम लोग वास्तविकता में नित्य बोल करके शाश्वत बोल करके स्वीकार करते हैं। ऐसा व्यास जी बोल रहे हैं। भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, ये तो नहीं बोला कि तुम वो धर्म को छोड़ना नहीं ये धर्म को छोड़ना। जो भी तुमने इस संसार के अंदर जो तुम्हारे देह धारण करने के बाद जो तुम्हें नित्य नैमित्तिक आदि धर्म की तरह दिखलाई पड़ रहा है उन सबको तुमने त्याग करना है और मामेकम शरणम व्रज, वास्तविक धर्म क्या है? मेरे शरण ग्रहण करना, भगवान के शरण में आने का धर्म जो है भगवान बोले उसको अपनाना है। वो क्या है? वो स्वभाव, मेरे शरण में रहना वास्तविकता में तुम्हारा स्वभाव है क्योंकि मेरे से ही तुम्हारा उत्पत्ति है। इसलिए मेरे शरण छोड़कर विमुख होके जिन चीजों को तुमने धर्म समझा वो वास्तविकता में धर्म है ही नहीं, हो तो विधर्म है। इसलिए बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी तुमको धर्म की तरह प्रतीत हो रहा है वो सब तुमको त्यागना है। इसलिए सारी चीजों को यहां पर बोल रहे हैं कि त्यागो ऐसा। और क्या है? मामेकम शरणम व्रज, वहां पर व्यासदेव भी ये बोल रहे हैं यथा भक्तिर अधोक्षज। क्या है वो? सवई पुंसा परो धर्म, सर्वश्रेष्ठतम धर्म है। धर्म की पराकाष्ठा अगर कुछ है वो भगवान अधोक्षज के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना। एक कर्म विचार में वो है ही नहीं कहीं पे, मैं जो भी करूंगा उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है वो ये मुझे मिल जाए ऐसा। इसीलिए आप देखो उद्यापन मंत्रों में भी यही आता है लास्ट में, जो कुछ भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ शरीर से मन से वाणी से और मैं आपसे क्या आशा करता हूँ, वो बोलते दनम देही ये देही वो देही, बस यही सब चीज़ों की मैं आशा करता हूँ ऐसा। और इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है भक्त लोगों के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ओ बोलते हैं ठाकुर जी की कृपा है हमारा ये हो गया, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के कारण हुआ है। समझने में कठिन है लेकिन सत्य तो यही है, मिला ठाकुर जी से ही है लेकिन कर्म तुम्हारे अपने थे। नहीं होता ना, जो बदजीव का यही तो स्वभाव है, जो गड़बड़ होता है वो सब भगवान का,
अगर कोई अच्छा कर्म हुआ कुछ हुआ है क्रेडिट फिर अपना, यही तो वो अच्छा होना नहीं है। जागतिक किसी भी प्रकार का जागतिक लाभ होना आप बताओ किस प्रकार से अच्छा है, परमार्थिक लाभ होना वास्तविकता में वो अच्छा है। परमार्थिक लाभ है तो वो तो भगवान की कृपा है। जागतिक लाभ अगर होता है वो, ये बोलने का मतलब है कि भगवान ने जीव को जो है विषयों के दलदल में धक्का मार दिया, अब भगवान कृपा करके, अब जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज कई हजारों साल तक उन्होंने राजशासन किया, भगवान ने स्वयं उनको राज्याभिषेक किया अपनी इच्छा से, लेकिन जब किया उसका एक विशेषता है, जब कुष्ठ विप्र को उन्होंने कोड का बीमारी से ठीक कर दिया था वो रोने लगे, बोलते प्रभु मुझे आपने संसार में डाल दिया क्योंकि अब मेरा शरीर सुंदर हो गया है, अब मेरा जो है बीमारी चला गया है, एक तो उत्तम ब्राह्मण शरीर ऊपर से सुंदर रूप, मैं तो माया में फंस जाऊंगा, आप ये क्या किया मेरे साथ। भगवान क्या बोलते हैं, इथेना स्पृशिवे विषय तरंग, तुम चिंता क्यों करते हो, तुमको तो विषय स्पर्श करे, भगवान दे रहे हैं साथ में क्षेम भी बता रहे हैं वहां पर, योग क्षेम वहां हम, जो तुमको मुझे देना है वो मैं तुम्हें दूंगा, उसके बाद चिंता नहीं करना, उसका रक्षा भी मैं ही करूंगा। अगर दुनिया में कोई बोलता है कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है तो उसका जो एफेक्ट है वो हमेशा बेस्ट ही होगा, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर खड़े रहेंगे। एक चीज़ तुमको भगवान ने दी है उसके बाद उसी का परिणाम से तुम दुखी हो रहे हो, मतलब है कि वो भगवान का दिया हुआ नहीं है। वहाँ पर भगवान बता रहे प्रहलाद मारा दुखी नहीं हुआ, ध्रुव मारा दुखी नहीं हुआ, अम्बरीश मारा दुखी नहीं हुआ, एक छत्र सम्राट होकर के दुर्वासा उनको मारने गए तब भी दुखी नहीं हुआ, हाथ जोड़ के खड़े। और उसके बाद भगवान यहाँ पर बोल भी रहे हैं, तुम चिंता नहीं करना, तुमको विषय स्पर्श करेगा नहीं, और प्रभु अगर किया तो एक ऐसा मन में एक संचय बोलते हैं पुनरपि यही खाने पावी मोर संग, अगर ऐसा तुम्हारे साथ कभी दुर्घटना घटा चिंता मत करना, मुझे तुम उसी स्थान पर वहीं पे पाओगे, मतलब भगवान साथ खड़े। बलि महाराज को सुतलापुरी राज्य दे दिया, वो तो क्या एक तुच्छ स्वर्ग के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे इंद्र का स्थान लेने के लिए, लेकिन भगवान ने कृपा करके सुतलापुरी दे दिया जो कि वैकुंठ से कम नहीं था, और खुद वहां पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बात यह कि भगवान ने किसी जीव को कुछ दिया तो उसका जो परिणाम जो होता है वो अद्भुत होगा, वो उसको तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया का व्यक्ति भगवान को कभी अनुभव करते नहीं है, भजन तो कभी करते नहीं है, दुनिया का जो लाभ होता है तो ऊपर ऊपर से बोलते हैं कपट करके कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बट सत्य तो ये है कि ठाकुर जी का कृपा होने से उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता, और ना ही उस वस्तु के प्रति उसका आसक्ति हो सकता। आप बताओ अम्बरीश महाराज हमेशा अपने पूरे राज्य को मिट्टी की ढले की तरह देखते थे, वहां पर बताया मिट्टी की ढली जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अम्बरीश महाराज ऐसे ही पूरे भूमंडल को देखते थे, इसीलिए खुद मंदिर मार्जन करना, खुद भगवान के सेवा करना, पूजा करना, ये करना सब स्वयं करते थे। प्रहलाद महाराज कहाँ इस भूमि के टुकड़े को अपना संपत्ति समझ लिया, कभी नहीं, ना ही ध्रुव महाराज समझा, कोई नहीं समझा।
मैं ऐसे मैंने उनकी उस विषय में सुना नहीं, श्रवण नहीं किया, ऐसे श्रवण नहीं किया ऐसा। और कोई ग्रंथ पुराण में हो सकता है, लेकिन उस विषय में कभी ऐसी कोई प्रसंग आया नहीं है। मैंने इस प्रसंग को लेके कभी पूज्य भारती महाराज जी से अथवा गुरुदेव से कभी श्रवण किया नहीं, और इसीलिए किसी से चर्चा भी नहीं किया। जो ये बात है, तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं। और अगर मान लो कर्म का आश्रय लेकर जो लोगों ने वैदिक यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों को कर भी लिया, बोलते फिर भगवद गीता में भगवान ने एक बात बता दिया, क्या बोलते हैं, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशंति, आपने कर्म करके जो भी फल अर्जन किया, जो भी कमाया, वो सारा अभी भोग करने के साथ साथ व्यय होना शुरू हो गया। यही लॉजिक जो है, यही सिद्धांत जो है, योग में भी लगता है और यही कर्म में भी लगता है। योग कर साधन कर करके सिद्धि जिसने लाभ की है, जैसे जैसे वो अपने आप को भोग में प्रवृत्त करता है, उसका जो फल है वो क्षय होता चला जाता है। ऐसे ही कर्म करके यज्ञ याग आदि अनुष्ठानों को करके जिस फल को उसने प्राप्त किया, धीरे 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 वो क्षय होता जा रहा है। और इसलिए वहां पर बता दिया मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही आपका संपत्ति खत्म, वैसे ही आपको जो है जय राधे श्याम कर दिया जाता है। तो इसीलिए स्वर्ग में अगर मान लो आदमी पहुंच भी गया, स्वर्ग में पहुंच गया अच्छे से आराम से रह रहा है, लेकिन जैसे उसका समय खत्म होता है वैसे ही उसको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वो लोग बहुत पक्के हैं इस मामले में, नरक से भी ऐसे ही, स्वर्ग में भी ऐसे ही। जेल में भी आदमी को जैसे सजा होता है, जितना वो उसके क्राइम के हिसाब से वो लोगों ने जितना देना होता है, वो देने के बाद अगर वो कहता है अब मेरा आजीवन कारावास होके इतना साल बीत गया, बाहर में किसी को जानता नहीं, कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा, मुझे अब यही रहने दीजिए, नहीं रहने देंगे। उसके लिए उसको फिर कोई क्राइम करके फिर और क्या, तो ये बात है। तो इसीलिए उनको, क्योंकि ऐसा होता है वो रखेंगे नहीं। ऐसे ही स्वर्ग नरक भी है, स्वर्ग में भी ऐसे ही, आपका पुण्य क्षय हुआ तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो फिर बोलते हैं कि ऐसे स्थान में प्रयोजन क्या है, उस तरह का साधन करके प्रयोजन क्या है, ऐसा यहाँ इसीलिए यही बात बता रहे हैं। संसार सागर पार करने के लिए वो बोलते हैं व्यक्ति को लौटना पड़ता है मृत्यु लोक में, और बार बार जन्म मरण आदि दुख भोगना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं संसार पार करने के लिए यज्ञ याग आदि जितने भी है वो वास्तविकता में सहारा है ही नहीं है, क्योंकि उससे तो आदमी संसार पार ही नहीं पा रहा, स्वर्ग में गया है तो वो भी संसार ही है। ब्रह्मलोक पार करके विरजा पार करने तक सब संसार में ही तो आ रहा है ऐसा। विरजा पार करके जब व्यक्ति परव्योम में चला जाता है तब जाकर के उस स्थान में वैकुंठ जगत पे चला जाता है, उस ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, तब तक जो कुछ भी जगह नीचे है वो सब पुनरावृत्ति में ही है। आ ब्रह्म भुवनार लोक पुनरावृत्ति नो अच्छो, क्या करें। इसलिए जितने भी ये लोग हैं 14 लोग, वो सब घूमते ही रहते, और जीव भी इसके बीच में घूमता ही रहता, कभी व्यक्त रहता है कभी अव्यक्त रहता है। आज जो ये 14 लोग दिखाई दे रहे हैं,
जैसे ही भगवान के निश्वास में प्रवेश करता है, साथ साथ ये सारा खत्म हो गया, है ना। कभी ये दिख रहा है, कभी नहीं दिखता है, फिर दिखाई देता है, इसमें कोई स्थायित्व है ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर रह के कर्म करके जो फल हम प्राप्त करते हैं, उसको हम भोग करते हैं, उसका भी कोई स्थायित्व नहीं है ऐसा। तो इसीलिए बोलते यज्ञ यागादि अनुष्ठान वास्तविकता में किसी भी प्रकार का वैसा संबल नहीं है। और बोलते हैं जैसे श्लोक में खेत वगैरह करके, काम वगैरह करके जो लोग क्या करते हैं, धन आदि अर्जन करते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे जैसे भोग करते हैं उसका क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। मान लो एक बस्ता हमने गेहूं ला के रख लिया, चावल ला के रख लिया, कुछ भी ला के रख लिया, जैसे जैसे खा रहे हैं वो वैसे वैसे खत्म होता जा रहा है। कर्म फल भी ठीक उसी प्रकार से है। और बोलते हैं पुण्य के प्राप्ति होने से स्वर्ग में जाकर के जो लोग भोग कर लेते हैं और वहाँ वो भी उसका क्षय होने लगता है। पुण्य का पेमेंट देकर स्वर्ग में आदमी वास करता है ऐसा। इतना है वो उधर डिपॉजिट हो रहा है, आदमी फिर जाके वहाँ पहुँचता है। बिल्कुल यहाँ से जैसे हम एडवांस बुकिंग करके कहीं जाएंगे होटल में, इधर उधर कहीं पे भी जैसे एडवांस बुकिंग करके जाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल स्वर्ग में भी कर्म करके, यज्ञ वगैरह करके, वहाँ अपने पुण्य से उसको बुकिंग करना पड़ता है। ख़त्म होने के बाद वो पूछेगा और कुछ है, बोलेगा कुछ नहीं, अच्छा जा फिर कमा के आओ, ये जगह खाली करो, ऐसा। भोजन भी ऐसा, सब कुछ ऐसा। इसीलिए जो लोग मोह में अंधे हो रखे होते हैं, वो लोग मोह में अंधे हो रखते हैं, वो क्या करते हैं, ये संसार में फंसकर, वो लोग ये संसार में आसक्ति को फैलाकर, जैसे मकड़ी जो है अपने ही जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार से वो लोग भी कर्म के जाल में फंस जाते हैं, वो कर्म से निकल ही नहीं पाते उसके बाद। और कर्म एक ऐसी चीज है, वो कर्म एक तरह से जो है संसार का कर्म, जो हमें आत्मेंद्रिय प्रीति के लिए प्रेरित करता है। मतलब कर्म करने वाला व्यक्ति के आगे पहले वो अर्थ होता है, बाद में वो काम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कर्म करने वाला व्यक्ति के जीवन में पहले वो अर्थ है, जहाँ पर केवल स्वसुख वांछा नहीं है और सम्मिलित रूप से अन्य व्यक्तियों का भी जो है उत्थान का एक चेष्टा है। मतलब मेरा ही नहीं, मेरे जो संगी है उनका भी लाभ होना चाहिए। लेकिन कर्म करते 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 एक गिलसी अवस्था में आ जाता है, कोई सुखी रहे या ना रहे, किसी का फायदा हो या ना हो, मेरा फायदा होना चाहिए ऐसा। और जैसे जैसे भोग करता है वैसे वैसे और कर्म करने के लिए वो और प्रेरित हो जाता है। हमारा एक दोस्त है, करोड़ों रुपए कमाया, कुछ भी नहीं था उसके बाद, करोड़ों कमाया, अब कुछ नहीं करने से भी मरते तक आराम से रह के खा के जी सकता है, फिर भी करी जा रहा है, रात को सोते ही नहीं। प्रकृति का धर्म है दिन में जागना, रात को सोना, ये तो प्रकृति का ऐसे बना हुआ है, और वो उसके पूरी तरह से विपरीत आचरण करता हुआ चलता। अभी शरीर ठीक है आगे चलकर ऐसा, लेकिन क्यों कर रहे हो पता नहीं। खाना कितना होता है, एक व्यक्ति ने दो रोटी खाना होता है, ज्यादा से ज्यादा चार रोटी खाना होता है, किसके लिए इतना कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो कर्म उसको उलझा करके रखा हुआ होता है।
इसलिए बोला ना हमारे आचार्यों ने बोला सदाई कर्म पाशे बांधे, ऐसा विधि बड़ा बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाश बांधे। इतना बलवान विधि हो गया है, विधि क्या है, क्योंकि मैंने ही अपने पूर्व कृत कर्मों के प्रभाव से अपना भाग्य का लेख जो बनाया, बोलते वही मेरा विधि है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक के साथ अन्याय होता है, एक के साथ न्याय होता है, क्योंकि ये तो भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान पार्शियल बिहेवियर क्यों करें। अगर भगवान की वो है तो भगवान एक को कष्ट क्यों देंगे, एक के भाग्य ऐसे खराब क्यों लिखेंगे, एक को अच्छा क्यों लिखेंगे। भगवान तो बोलते समोहम सर्वभूतेषु, मैं इसके लिए उसके लिए तुम्हारे लिए मेरे लिए सबके लिए एक समान हूँ, मेरे तो मेरे अंदर तो कोई भेद दृष्टि है ही नहीं है। जब है ही नहीं है भगवान में भेद दृष्टि, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप हर एक के ऊपर एक समान रूप से गिरता है, ऐसा नहीं है कि अगर पौधे हैं उसके ऊपर अलग गिरता है, पत्थर है उसको जरूरत कोई काम का है नहीं बोल के उसके ऊपर अलग गिरता है, ऐसा है ही नहीं, सबके ऊपर एक समान होता है। ऐसा भगवान का कृपा भी ऐसा ही होता है, लेकिन लोगों के जीवन में इतने अंतर इसलिए आता है क्योंकि वो विधि जो है वो आदमी अपने कर्मों से खुद लिखा हुआ होता है, देने वाला भगवान होते हैं, बस ऐसा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मूढ़ व्यक्ति जो है, मूर्ख व्यक्ति मोह में अंधा हो रखा है, उसको कुछ दिखता नहीं है, वो क्या करता है, उस विधि के आगे वो हारता हुआ चला जाता है। ऐसी अपने भाग्य को लिखवा के आया, ऐसे अपने भाग्य को बना के आया, अब उसी के उलझन में पड़कर मोह पैदा हो गया उसको, और वो मोह इतना बढ़ गया कि वो अब अंधा होता चला गया। अब वो मोह में अंधा होकर उस अवस्था से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता, उल्टा उसी अवस्था में अपने आप को बांध लेता है। इसीलिए बोलते कर्म के पाश में जो है, हे नाथ मैं बंध गया, ऐसा मकड़ी जैसे अपने ही जाल में फंस जाता है, एक व्यक्ति जैसे दलदल में गिरा हुआ बाहर निकलने का प्रयास करते हुए और उस दलदल के अंदर धस जाता है, ठीक उसी प्रकार संसार में फंसा हुआ व्यक्ति भी अपने कर्मों के जाल में फंसता हुआ चला जाता है। यही भाग्य की विडंबना है, इसीलिए वो अपने बंधन का सृष्टि करता है। इसीलिए बोला बंधन जो है क्या है, पंडित कौन है, बद्ध मोक्षविद, क्या बंधन का कारण है, क्या मोक्ष का कारण है, इस बात को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित है। और बंधन किससे होता है, बोलते मन से होता है। जब मन संसार में आविष्ट होता, मन कर्म में आविष्ट होता है, उसका परिणाम से क्या होता है, बता रहे हैं कि बंधन ही होता है। ऐसा इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करें। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो